हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग आईटी में। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इस स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टार्ट डेट दिया हुआ है और एंड डेट दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कितने ईयर्स है, मंथ्स है, डेज है, इनका डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेटेड इफ फॉर्मूला लगाना है और ब्रैकेट ओपन करके आपको स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करना है, देन कॉमा लगाकर एंड डेट को सेलेक्ट करना है, और आपको कॉमा लगाकर डबल कोटेशन में वाई लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंड लगाना है और डबल कोटेशन में ईयर्स लिखना है, और डबल कोटेशन क्लोज होगा और एंटर कर देना है आपको। तो देखिए, 4 इयर्स आ गया है। अब आप इसे ड्रैग करेंगे, डिफरेंस आपके सामने है। अब आपको मंथ्स में भी सेम फॉर्मूले का यूज करना है, इक्वल्स टू डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करके इस सेल को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाकर इस सेल को सेलेक्ट करना है। बट आपको यहाँ पर डबल कोटेशन में वाई नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे वाई और एम लिखना है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एम लिखते हैं तो ये पूरे मंथ्स का बता देगा कि इन दोनों ईयर के बीच में कितने मंथ्स हैं, जबकि हम लोग वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ईयर्स को ये माइनस करके मंथ्स बताए। अगर ईयर में कुछ कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसको लीव कर दे। अब डबल कोटेशन क्लोज करके मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और एंड लगाकर डबल कोटेशन में मैं मंथ्स लिखूंगी और फिर एंटर कर दूंगी। तो देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर वाई हटा देती हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, 50 मंथ्स। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था यहाँ पे वाई एम लिखने। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करके इस सेल को सेलेक्ट करना है, देन इस सेल को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाकर डबल कोटेशन में आपको एमडी लिखना है, क्योंकि हम लोग डेज काउंट कर रहे हैं। जो मंथ्स में काउंट होना चाहिए वो मंथ्स में चला जाए। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डी लिखेंगे तो ये दोनों ईयर के बीच का होल डेज को काउंट कर देगा। अब डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंड के साथ हम लोग डबल कोटेशन में डेज लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए, यही अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ डी लिखते तो देखिए, तो मैं यहाँ पर एमडी लगा देती हूँ, एंटर कर देती, और अब मैं इसे ड्रैग करूंगी। तो देखिए, तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।